की बैठक में मिट गई दूरियां, दूर हुए गिले शिकवे। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के छुए पैर। नमस्कार, आपके साथ में हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का सियासी हलचल में। देश की राजनीति के लिए कल यानी मंगलवार का दिन काफी अहम था। एक तरफ जहां पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को अपनी ताकतों का एहसास कराया, तो वही दूसरी ओर दो लोगों के बीच की दूरियां कम होती दिखाई दी। दरअसल कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद मंगलवार शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की ओर से ये संदेश दिया कि 38 दल विपक्षी एकता को चुनौती देने के लिए तैयार है। एनडीए की इस बैठक के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगी और इस पर लगातार चर्चा जारी है। ये तस्वीर बैठक में पहुंचे बिहार की राजनीति के दो अहम नेता चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की थी। तस्वीर में चिराग अपने चाचा के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में अन्य दलों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों ही घड़े यानी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस शामिल हुए थे। बैठक के दौरान जब चिराग पासवान ने चाचा पारस को देखा तो तुरंत उनके पैर छू लिए। वहीं चाचा ने भी अपने भतीजे को गले लगा लिया। ये दृश्य देख रहे सभी नेताओं के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। दरअसल 2024 से पहले भाजपा की नजर सभी छोटी बड़ी पार्टियों को एक करने पर है। वहीं एनडीए में शामिल ये एक अहम दल है और फिलहाल चाचा भतीजे की लड़ाई से जूझ रहा है। भाजपा किसी भी तरह इस प्रयास में है कि रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हुए मनमुटाव को दूर कर दिया जाए। हालांकि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में चाचा ने साफ कर दिया है कि वे भतीजे चिराग के साथ नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इन दोनों के बीच लड़ाई हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर है, जहां से चुनाव लड़ने का ऐलान पशुपति पारस कर चुके हैं और चिराग पासवान भी यही से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, बेंगलुरु में कल विपक्ष ने बैठक कर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय किया, तो दूसरी तरफ 39 दलों के साथ एनडीए ने भी विपक्ष को टक्कर देने का संदेश दिया। इसी बीच चिराग पासवान ने चाचा का ही दिल नहीं जीता बल्कि पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया। हालांकि चिराग पासवान ने मंगलवार को हाजीपुर पर अपना दावा जताया, साथ ही अपने चाचा के बयान पर कहा कि हाजीपुर मेरे पिता रामविलास पासवान का गढ़ है और जिम्मेदारी संभालना मेरा कर्तव्य है। इस पर चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए पशुपति पारस ने भी इस सीट पर अपना दाव जताया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्री पारस अपने भतीजे पर कई तंज कस चुके हैं। वहीं आपको बता दें, एनडीए की बैठक शुरू होने से पहले पारस के नेतृत्व वाले गुट ने कहा था कि एनडीए में चिराग पासवान के प्रवेश का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनका स्वागत भी नहीं करेंगे। हालांकि अब पासवान ने सुलह पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों अब एनडीए का हिस्सा हैं और उन्हें अब आगामी चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं आपको बता दें, रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही चाचा और भतीजे में पार्टी को लेकर रार शुरू हो गई थी। पशुपति पारस पहले ही साफ कह चुके हैं कि वे भतीजे चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का विलय नहीं करेंगे। हालांकि चिराग ने पैर ऐसे समय में छुए हैं जब दोनों ही नेता हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही पशुपति ने कहा था कि चिराग का हाजीपुर में कोई अस्तित्व नहीं है, पता नहीं वे वहां अपना समय खराब क्यों कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों नेताओं के बीच सुलह हो पाएगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे सियासत से जुड़ी हलचल सियासी हलचल में। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।